टैक्सेशन के अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ कंप्यूटराइज हुआ था, कंप्यूटराइज हुआ था तो हर नगर पालिका में देखो भैया किसने टैक्स नहीं दिया है जरा देखो। और रूटीन में जब करते थे तो छोटे छोटे आदमी को पकड़ते थे, गए ताला लगा दिया, टैक्स ले लिया। जब कंप्यूटर पे सारी सूची देखी तो उस नगर के बड़े बड़े जो महाशय थे उन्हीं के टैक्स बाकी थे। और ये म्युनिसिपैलिटी के जो मुलाजिम होते थे उनकी वो ताकत नहीं थी उनके तक जाने की, बेचारों की हिम्मत नहीं थी। हमने कहा भाई इनको बोलो, तो बोले साहब नोटिस दें। मैंने कहा देखिए तुम नोटिस दोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके पास इतने बढ़िया बढ़िया लॉयर होंगे कि तुम्हारी ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी, रुपया नहीं मिलेगा, तो क्या करें। हमने कहा एक रास्ता खोलो, जिन जिन लोगों के टैक्स बाकी हैं उनके यहां जाकर के कागज दे दो और उनको बताओ देखो भाई अगले मंडे तक इतना टैक्स आपको भरना है, अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो उसके 4 दिन के बाद स्पेशल यूनिफॉर्म पहने हुए ढोल बजाने वाले लोग तुम्हारे घर के बाहर आएंगे और ढोल बजाएंगे, और जैसे ही ढोल बजा पता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि टैक्स नहीं देता है। और मित्रों 98% टैक्स कलेक्शन की दिशा में हम आगे बढ़े, कोई कानून नहीं, कोई वकील नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया।